Smoking causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग हो सकता है. धूम्रपान मौत का कारण बन सकता है. Drinking is injurious to health. शराब का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है. चंदर केक काटो. इसे काटना पुराने जमाने का फैशन है, लेकिन मेरा रूट ही अलग है. मैं जानता हूँ बेटे, तेरा रूट क्या है? बोलूंगा नहीं, करके बताऊंगा. भाइयों और बहनों, मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ. बचपन में जब मैं अपने पिताजी से खिलौने मांगता था तो रिवॉल्वर लेके देते थे. अगर मैं फाइव स्टार की चॉकलेट मांगा करता था तो करेले का सूप पिलाया करते थे. मेहरबानी करके बैठ जाइए. प्लीज टेक योर सीट. प्लीज टेक योर सीट. प्लीज एंजॉय योर सेल्फ. एंजॉय. सूर्यनाथ जी, मार्केट में जो आपके विचारों से रेट बढ़ा है, उससे मार्केट के व्यापारियों को बहुत भारी लाभ पहुँचा है. उससे हमारे व्यापारियों ने खुश होकर आपको एक छोटी सी भेंट दी है. पूरे 50 लाख. हम जो व्यापार कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर हमें मदद कर रहे हैं, ये उनका हिस्सा है, पहुंचा देना. जी अच्छा. नाजायज कामों का नाश करने वाला धर्म चक्र, अन्याय के लिए लड़ने वाला न्याय चक्र, ऐसे चक्र को हर वक्त अपने साथ रखने वाला मैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह हूँ. पंजाब के डॉन सिंह को दिल्ली में पकड़ने वाला हरियाणा का शेर, चंबल की घाटियों के डाकुओं को पकड़कर तिहाड़ जेल तक पहुंचाने वाला बब्बर शेर मैं ही हूँ. बता, इस टैंकर में क्या है? इस टैंकर में तेल है साहब. शट अप. ये टैंकर ऐसा है जैसे नाम किसी का, कमाल किसी का. इसके अंदर है मिलावटी खाने का तेल, जो लोगों को बेचकर उन्हें बीमार करना चाहते हो ना? लगता है आप यहाँ पे नए हैं. आपका हफ्ता वन टाउन पुलिस स्टेशन में पहुँचा दिया होगा. कांस्टेबल नहीं बताया क्या? हमारा टू टाउन पुलिस स्टेशन है. हमारे लिए ये काफी नहीं होगा. ये तेल बेचकर लाखों कमाएगा तू, इसलिए चोरी के हर कमाई का 10% मैं लूंगा. इस तरह से मैंने नौकरी पर कसम खाई है. शराफत से 10% देता है या तेरी खोपड़ी. नहीं साहब, ऐसा मत करना. मैं देता हूँ. ला, हाँ अब जा. हा? जा. काम हो गया भैया, काम हो गया. अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया. गुरु गुरु, उसे रिवॉल्वर दिखा के आपने अच्छा खासा पैसा निकाल लिया. अरे इतना ही नहीं रे, ये टैंकर जब तक अपनी जगह पर पहुंचेगा खाली हो जाएगा, जिसे देखकर उसके बॉस को हार्ट अटैक हो जाएगा. क्या हुआ गुरु, ये गाड़ी क्यों रुक गई है? अभी स्टार्ट होगी कि नहीं? अरे तो इसमें क्या हुआ, एक सीटी बजाऊंगा तो हवाई जहाज आ जाएगा. अच्छा? अरे वो देख, वहाँ जहाज आ रहा है, चल उसको पकड़ते हैं. स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप द कार. अंदर कौन है? बाहर कौन है? ओ लेडीज, मैं कौन हूँ आपको पता नहीं क्या? मैं हूँ इंस्पेक्टर रंजीत कुमार. मैं चुटकी बजाऊं तो SP, ताली बजाऊं तो IG, और CD बजाऊं तो होम मिनिस्टर दौड़े चले आते हैं.
तो एक बार बजा के बुलाइए ना। उसकी अभी क्या जरूरत है, जब जरूरत पड़ेगी तो बजाऊंगा। पुलिस डिपार्टमेंट की कैप पर अशोक चिन्ह कैसे लगाना चाहिए ये भी नहीं मालूम, और तुम इंस्पेक्टर हो, होम मिनिस्टर को शायद बताना पड़ जाए। अभी भी कुछ पूछना है या हम लोग जाएं? आप जाइए, आप जाइए। आंटी इन्हें संभाल कर ले जाइए और आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। तुम कौन हो बेटे? ड्राइवर गाड़ी चलाओ। सुनो, डोर ठीक से बंद कर लो नहीं तो गिर जाओगी। ये क्या एसपी साहब, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नाम का आदमी आपके डिपार्टमेंट में नहीं है? व्हाट ए नॉनसेंस। इसका ध्यान रखना। वो जो भी हो उसने हमें उल्लू बनाया है। बेटे इस गांव में बड़े से बड़े ऑफिसर हमसे मिले हुए हैं, हमारी मुट्ठी में है, ये नया कहां से आ गया जिसने लाखों रुपए के तेल का हमें चुना लगा दिया? चिंता मत करो डेरी। हाँ? इंडिया को वास्को डी गामा ने जैसे डिस्कवर किया था वैसे मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और हमारे स्विमिंग पूल में डुबो दूंगा, क्योंकि मेरा रूट ही अलग है। आज के हमारे कमाई से बारिश में जिन घरों को नुकसान हुआ है उनकी मरम्मत कराएंगे। रुक जाओ, इतना ही नहीं, सरकार ने जो स्कूल के मास्टरों की तनख्वाह नहीं दी और बच्चों की किताबें नहीं दी हैं, वो सब भी हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। हीरो, हमारा हीरो। ये लो बाबा, ये पैसा अपने पास रखो। वीरेंद्र, हमारे देश के समाज सेवक और नेता से कई गुना अच्छा तो तुम्हारी भैया। अरे बाबा, हमेशा इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, जो अच्छा करता है उसकी बड़ाई मत कीजिए नहीं तो वो चने के झाड़ पर बैठ जाएगा। बेटी माधवी, कोर्ट जाने का वक्त हो गया है, अभी तक तैयार नहीं हुई, कमान जल्दी चलो। क्या हुआ बेटी, हाथ कट गया क्या है? रुको मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। क्यों डैडी, डॉक्टर से फोन पे ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं ना। चोट को देखे बिना वो ट्रीटमेंट कैसे बताएंगे बेटी? किसी भी अन्याय को आंखों से देखे बिना कोर्ट में जज से हम न्याय की गुहार लगाते हैं, ये भी तो वैसे ही बात है ना डैडी। माधवी, मैंने तुम्हें लॉ इसलिए पढ़ाया था कि तुम मेरी अप्रेंटिस करो, ना कि मुझे सलाह देने के लिए। डैडी, वकीलों को काला कोट पहनकर अदालत में जाने की बजाय लोगों के बीच में जाकर न्याय और अन्याय का फैसला करना ही मेरा उद्देश्य है। आई लाइक इट। वो सोशल वर्करों का काम है। वकील लोग भी सोशल वर्कर बन जाए यही मैं चाहती हूँ। वकील साहिबा, हमारे उस काम का क्या हुआ? उसी काम के लिए आई हूँ। देखिए बाबा जी, इन कागजों पे सब लोग हस्ताक्षर कर दो, मैं कलेक्टर के पास ले जाऊंगी। अच्छा सुनो लॉयर बेबी, इन कागजों से हस्ताक्षरों से अगर काम नहीं होता तो मुझे बोलना, डम डमाडम डम डमाडम हो जाएगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो तुमसे जरूर बोलूंगी। अरे बेटी, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बड़े खानदान में पैदा हुई है, इसके बाद भी हम लोगों के लिए तू और मेरा बेटा वीरू हमेशा कितने परेशान रहते हैं, भगवान तुम दोनों को जरूर भला करेगा। विजया, 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 हैंडसम, ये क्या कर रही हो? मैंने ऐसे क्या किया जो बंदूक तान रही हो? अपनी सहेली से मिलने के लिए अब आ रही हो? I'm sorry विजया, जो सजा देना चाहती हो दो। ठीक है, वहां जाके खड़ी हो जा। ये क्या पागलपन है? हाँ पागल ही हूँ, बचपन से आज तक हम साथ में बड़े हुए, बगैर बाप की लड़की को तुमने पढ़ाया लिखाया है, मुझे कभी किसी कमी का एहसास तक नहीं होने दिया, और इन सब का कारण है तुम और तुम्हारे पिताजी, इसीलिए मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। विजया, हमारी ये दोस्ती जिंदगी भर बनी रहे। बेटी माधवी, विजया हमेशा तुझे याद करती रहती है। और कब तक याद रखेगी आंटी, कल जब इसकी जिंदगी में कोई आएगा तो भूल जाएगी। ऐसा कोई नहीं आने वाला, अगर मैं तुम्हें भूल भी गई तो ये देखो इस रिवॉल्वर को लेकर जो तुम्हारे मन में आए वो करना। मैं क्या करूँगी? बापरे, ऐसा लग रहा है जैसे इस डंडे को किस किया हो। चलो। क्या पुलिस वाले तुम्हारे रिक्शों की सीट निकाल के ले गए? खतरनाक देश द्रोहियों को छोड़कर रिक्शे वाले रॉन्ग साइड आए या रॉन्ग साइड पार्क करें या हफ्ता नहीं दे तो सीट निकाल कर ले गए। मेरे रिक्शा साथियों, किसी बात से डरना नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूँ। चलो अभी करते हैं डम डमाडम डम डमाडम। ए, मैं घूस खाने वाला आदमी नहीं हूँ, फोन रख, जल्दी रख। कहाँ है, कहाँ है वो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस? भैया ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरी नौकरी चली जाएगी। एसआई अंदर है, वहाँ अंदर। यानी यहाँ पे नए आए हो एसआई? इंस्पेक्टर रंजीत कुमार। अब चुटकी बजाते ही एसपी, ताली बजाने से आईजी, और सीटी बजाते ही होम मिनिस्टर आ जाए। मैं इतनी पावरफुल इंस्पेक्टर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। दरअसल वो ऐसे ही
वैसे इस ड्रेस में तुम डम डमा डम डम डमा शट अप। तुम्हारी पूरी कुंडली इस पुलिस रिकॉर्ड में है। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें 7 साल जेल की हवा खिला दूंगी। सुनिए पुलिस बेबी, मैं तो गरीबों की सहायता करने के लिए अमीरों को लूटा करता हूँ। वैसे मैं आपको जितना भी समझाऊं आपकी समझ में नहीं आएगा। वैसे डम डमा डम डम डमा डम का मतलब है कि पुलिस और चोर हस्बैंड और वाइफ हैं। यानी मतलब ये हुआ कि जो मिलता है आपस में बांट लेते हैं। ये क्या है? आपका पुराना एसआई जो था ना सुनील मेहता, हफ्ता नहीं दिया इसलिए रिक्शे वालों की सीट निकाल कर ले गया। उसका जुर्माना भरने के लिए मैंने एक बड़े आदमी की जेब काटी है। अब मैंने बात किया है या भलाई की नहीं जानता। ये पैसे लेकर उनकी सीट वापस करवाइए। 421। यस मैडम। रिक्शा वालों की सीट निकाल के ले आए हो? वो पुराने एसआई सुनील मेहता। शट अप। अगर आज के बाद यहाँ ऐसा दोबारा हुआ तो सलाखों के पीछे चोर नहीं होगा, तुम होगे। यस मैडम। सुनो मिस्टर, ये पैसे ले जाकर अपने रिक्शे वालों में ही बांट दो। डम डम डम। जल्दी निकल लो भैया, तुम्हारा टाइम अच्छा है। आओ, चलता हूँ। वकील बेटी, कलेक्टर से बात करके तुमने हमें ये जगह दिला दी। भगवान तुम्हें जरूर सुखी रखेगा। तुमने हमारे घर बचा लिए, तो उसके लिए मुझे इतना सम्मान। पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे होते हैं क्या? जब अनपढ़ लोग तुम्हारे जैसे अच्छे हो सकते हैं तो क्या पढ़े लिखे नहीं होंगे? हमारे हीरो और वकील साहिबा ने तो कमाल कर दिया भैया। वकील साहिबा ने कलेक्टर साहब से विनती करी थी। एक काम करते हैं, इन्होंने हमारा काम किया है, हम इनका सम्मान करते हैं। हमारा हीरो जिंदाबाद, 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 हमारा हीरो जिंदाबाद। हीरो बेटे, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मोहल्ले में तेरी शादी हो रही हो। हाँ वकील साहिबा, अब जब भी कोई काम हो तो मुझे याद कर लेना, हनुमान की तरह उड़ के आ जाऊंगा। डम डम आडम डम डम आडम। हे भगवान, इन दोनों का मन मंदिर है, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करो भगवान, कोशिश करो। ही? दादी मैं किसके लिए बोल रही है? हे भगवान, इन दोनों का मन मंदिर है ऐसा बोल के तुम्हारे लिए कह रही है। क्या ऐसा होता है? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। चंदर जी, मार्केट रेट से ज्यादा भाव लगा रहे हैं बोलकर लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। मोर्चा निकाल रहे? तो बचे हुए सिगरेट के टुकड़े की तरह उन्हें मसल कर रख दो। अरे तू क्या मसल के रखेगा, तू सरकार के रेट पे हमें एक तो अनाज नहीं दे रहा, ऊपर से जबान चलाता है, आज तेरी चटनी बना देंगे। ए बुढ़िया, तू मुझे धमकी देना चाह रही है? अब मेरी बात सुन ले, तेरे पैर तो खबर में लटके हुए हैं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा रूट ही अलग है। अरे चुप कर बदमाश। क्या मुझे बदमाश बोलती है बुढ़िया? मिस्टर, मार्केट में अपनी मनमानी से रेट बढ़ाओगे तो कोई चुप नहीं रहेगा। जनता की ताकत कितनी बड़ी होती है शायद तुम नहीं जानते। अगर तुझे फोल्ड करूँ तो तू माचिस की डिबिया बन जाएगी। तू इस तरह चिल्ला के बात करेगी तो क्या अपने आप में इंदिरा गांधी बन जाएगी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरा रूट ही अलग है। तेरा रूट दिखाने के लिए ही वो आया है। ए, क्या है ये चक्र? क्या है? अन्याय से न्याय को दबाओगे तो ये चक्र काटेगा, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र है। कौन है तू? गरीबों का दोस्त तुम जैसे अमीरों का दुश्मन वीरेंद्र। शॉप में अगर रेट नहीं बदलता है तो मालिक का शेप बिगाड़ देता हूँ। ये बात है तो मेरे गुंडे तेरा शेप बिगाड़ देंगे। मैं अपने ऊपर एक भी हाथ नहीं लगने दूंगा, तुम्हारे ही आदमियों से तुम्हारे आदमियों को पिटवाऊंगा। मेरे आदमियों से मेरे ही आदमियों को पिटवाएगा? देखना चाहता है? Yeah!
वो गुंडा मजदूरों को साथ मिलाकर हमारी दुकान लूट रहा है। अरे सिम, यहाँ की सच्चाई जाने बिना आपका मुझे हथकड़ी पहनाने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे अधिकारों के बारे में किसी गुंडे को बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर, पुलिस वालों को जनता के साथ जरा तमीज से पेश आना चाहिए। अगर इन्हें अरेस्ट किया तो हम सब जीप के सामने ले जाएंगे। माधवी, कॉल मी लॉयर माधवी। ओ आई सी, अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम हमें अरेस्ट करोगी तो अदालत में हमें कैसे बचना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आई फिर से आ गया। देख लो हवलदार, इस तरह एक वकील और एक चोर को एक ही हथकड़ी में बांध के थाने में लाएंगे तो दुनिया में धर्म की स्पीड कम हो जाएगी। कोई कम नहीं होगी, चोर और न्याय को एक साथ रहने का बहुत अच्छा मौका मिला है। डम डम डम, ये कलाई खाली है, अगर पुलिस को भी मिला लिया जाए तो मजा आ जाएगा। शट अप 421, इन्हें अंदर बंद करो। यस मैडम। ये क्या भैया, जैसे शादी के नए जोड़े को एक कमरे में डालते हैं वैसे हम दोनों को भी एक ही सेल में डाल दिया। क्या करें भैया, सारे सेल हाउसफुल हैं। वैसे भी हमारे देश में ये करो वो करो सब करो बोल के देशभक्ति करो पुलिस वालों की मदद करो हाथ में खुजली हो रही है। ये क्या वकील साहिबा, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि आपसे रिश्वत लूँ। ये रिश्वत नहीं है, बाहर से एक बढ़िया फोटोग्राफर को लेकर आओ। क्यों? एक चोर को और एक लेडी वकील को एक ही सेल में बंद रखा है, ऐसी न्यूज देनी है। वो जो हमारी फोटो खींचेगा उसे मैं कल के पेपर में छपवाऊंगी, फिर मानहानि का दावा करके विजय को सबक सिखाऊंगी। अच्छा तो आप ये पैसे रखो, मैं अपने पैसे से दो मालाएं भी लेके आऊंगा। माला लाओगे? वो क्यों? वो मालाएं पहन के फोटो लेंगे ना तो सेल के अंदर दुल्हा दुल्हन बहुत अच्छे लगेंगे। हे भगवान, इन दोनों का मन मंदिर है, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करो भगवान, कोशिश करो। तुझको मैं उड़ा लूंगा, बाहों में छुपा लूंगा, आंखों में बता लूंगा जाने जाना। देखूंगा मैं कल तुझको बंधु, देख लेना तू अरे ओ बुद्धू, ना छोड़ूंगा तेरा कभी ये पल्लू।
सारा ये जमाना सुनेगा वो सच कह दूंगा मैं तेरी धमकियों से नहीं डरना तुझको है बाहों में भरना मुझको न डरो ऐसे ओए राजा पादानी सारे साने धनी तुझको मैं उड़ा लूंगा बाहों में छुपा लूंगा आंखों में बता लूंगा जाने जाना तुझको मैं बताऊंगी तुझको मैं सताऊंगी तेरे हाथ में आऊंगी जाने जाना तैयार है मेरी राधा जो मुझे कहेगी वो मैं करूंगा अब तो आ जा पहले करना पड़ेगा तुझे वादा ना कभी सताएगा मुझे ज्यादा देवी को मना के बोली लूटी घर मेरी तो आ जा हलचल सी है इस दिल में बड़ी मैं तेरे चाहत की है आभा धनी सरसनी धनी बापा तुझको मैं उड़ा लूंगा बाहों में छुपा लूंगा आंखों में बता लूंगा जाने जाने तुझको मैं बताऊंगी तुझको मैं सताऊंगी तेरे हाथ में जाने जाने आह देखूंगा मैं कल तुझको बंधू छोड़ूंगा तेरा कभी ये पल्लू सुनेगा दरवाजे कोई बोल हल्लू वकील साहिबा आइए आप बाहर आ जाइए हाँ मैं भी आ रहा हूँ अरे तुम अंदर ही रहो अरे क्या कर विजय सॉरी माधवी अपनी सहेली जानकर भी मैंने तुम्हें अरेस्ट किया उसके लिए मुझे माफ कर दो अगर तुम अरेस्ट नहीं करती तो मैं खुद परेशान हो जाती माधवी विजया हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी वर्ग का सेंटीमेंट नहीं होना चाहिए आई एम प्राउड ऑफ यू प्राउड बाद में कर लेना घर पे पिताजी इंतजार करेंगे चलो मैं नहीं आऊंगी माधवी उससे पहले वीरेंद्र को भी छोड़ना होगा सुनो उसके लिए तो जेल भी घर है उसके लिए तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो चलो विजया तुम दोस्ती को देख रही हो लेकिन मैं न्याय को देख रही हूँ ठीक है उसकी जमानत मैं देती हूँ ओके ओके 421 मंत्री कन्हैया लाल जी जिंदाबाद 32 फूल मालाओं के लिए 74 जिंदाबाद अच्छा 32 फूल मालाएं और 74 बार जिंदाबाद हमारे मंत्री जी की ताकत जहाजों जैसी है जहाज जैसे नहीं हिमालय की तरह है कौन बुलाई ये मेरा बेटा है चंद्र कुमार नमस्ते अगर ऐसा बोलेगा तो मारा जाएगा कमीना फूल इडियट तार के पेड़ की तरह भी खड़ा क्यों है तुमको बड़ा लोग से बात करने का तमीज नहीं है कमीना फूल इडियट इनके सामने थोड़ा झुक जाओ किसी के सामने झुकना मुझे पसंद नहीं क्योंकि मेरा रूट ही अलग है अगर अब इसने कुछ बोला तो काट दूंगा नहीं बेटे जैसे बिजली के खंभे में पावर होती है वैसे ही पावर इनमें है हाँ तो बताओ धंधे में हमारा कितना फायदा हुआ लिखना है जल्दी बताओ 5 राइस मिल्स को जो लाइसेंस दिया और ऑफिसरों को जो कमीशन दिया उसके बाद बचा 560,000 9 मर्डर 10 डकैती 24 रेप के बगैर केस करने के रुक जाओ इतना स्पीड का है का चपले से मारूंगा लिखने नहीं देता कमीना फूल इडियट अरे पीठ में बहुत खुजली हो रही है खुजा तो खुजा दे उनकी पीठ खुजाने से भारत देश में यात्रा करने जैसा पुण्य प्राप्त होगा वो अभी पावर में है खुजा दे खुजाने को कहा था मारता कहे का है कमीना फूल इडियट मच्छर था कई साल पहले एक खतरनाक मच्छर ने एक खतरनाक मंत्री को काट लिया था तो उसका हाथ काटना पड़ा मेरा रूट ही अलग है मेरा रूट हमारा चप्पल की तरफ है अच्छा वो मार्केट में हमारा हिसाब किताब कितना हुआ उस फायदे में आपका हिस्सा है पूरे 10 लाख रुपए का पूरे 10 लाख रुपए
पेपर में लिख रहे हैं, आगे चल के कहीं परेशानी हो गई तो? हमारी मर्जी, ज्यादा बोलेगा तो तुम्हारा पीठ पर लिखना शुरू कर दूंगा। गांधी जी की मूर्ति का स्थापना करने जाने का टाइम हो गया है, जल्दी चलो। गरीब लोगों के पास गरीबी बनकर चलना चाहिए। हमारा ये चप्पल तुम उठा के लेके आओ। भाइयों और बहनों, अब से कुछ ही देर में मंत्री जी गांधी जी की मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वो बात नहीं करते हैं, हमेशा काम करते हैं। आज इन्होंने मौन व्रत रखा है, इसलिए मौन भाषा में बोलेंगे और उसका जो अर्थ होगा, यहाँ की उबा पार्टी का नेता यानी मेरा बेटा श्रीमान चंदर जी इनकी बातों का अर्थ बताएंगे। चंदर जी बताइए। बिना माइक के मैं खुले गले से बोलूंगा, मेरा रूट ही अलग है। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार कह रहे मंत्री। आप लोगों के पैरों की सेवा भी करूंगा कह रहे हैं मंत्री जी। अगर मैं आपको भूल जाऊं तो चप्पल से इस गाल पे उस गाल पे मारने के लिए कह रहे हैं मंत्री। अगर मैं किसी के साथ अन्याय करूं तो मेरे पास बेझिझक आकर मेरे कान खींच सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं मंत्री जी। वक्त पन्ने पर आप किसी की जेब भी काट सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं मंत्री जी। अरे बेटे रुक जा रुक जा, कटिंग का मतलब जेब काटना नहीं है, रिबन कटिंग। हाँ चलो टाइम हो गया। हीरो हीरो, मुझे मंत्री जी का पर्स चाहिए। हाँ? लाके दोगे ना? क्या मंत्री जी का पर्स चाहिए? ए, डम डमाडम डम डमाडम, तुझे पर्स चाहिए ना, अभी लाके देता हूँ। चलो हटो, चलो पब्लिक को कंट्रोल करो, पब्लिक को कंट्रोल करो। ये तो रूट ही बदल गया है, गांधी जी कहाँ है? अरे हाँ कहाँ है? कौन है तू कमीना फूल इडिया छीन छाछी? तारे का नहीं यार। अरे हम यू तेरा क्लास में ड्राग हो का, मुझे नहीं पहचाना? तू गोलमाल मंत्री बन गया और मैं तेरे राज में भिखारी? सिर्फ तुम्हें ही नहीं राघव, पूरे देश को बना दिया है। मुझे माफ करना मंत्री जी, गांधी जी तो मन में रहने चाहिए। मूर्ति की स्थापना और सभा के लिए जो तुमने खर्च किया है, अगर वो यहाँ की जनता के लिए खर्च किया होता तो एक उद्घाटन में गरीबों के 100 घर बनते। बहुत अच्छा कहा बेटी। इंस्पेक्टर साहिबा, पहले ये बताइए गांधी जी की मूर्ति कहाँ है? यहाँ है। दोनों, इस दुनिया को गांधी जी की मूर्ति ही नहीं, संस्कार और इनके विचार भी चाहिए। एक जमाने में बापू के रघुपति राघव राजा राम के भजन सुना करते थे, लेकिन अब भूखे गरीबों की चीखे सुनते हैं। आधी रात में भी लड़की अकेली घूम फिर सके, ऐसा करमचंद गांधी जी का सपना था। मगर आज बाजार के होटलों में मासूम और अबलाओं की चूड़ियां टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक जमाने में बापू के नाम के लिए लोग खून बहाते थे, मगर आज गरीबों का जबरदस्ती खून चूसा जा रहा है। इन सब का कारण आप है और आपकी धोखाधड़ी। आपको ऐसे महात्मा की मूर्ति को हाथ लगाने का भी हक नहीं है। इंस्पेक्टर कंट्रोल हिम। रुक जाओ मिस्टर, गो बैक। इन धोखेबाजों से मुझे कुछ बात करनी है और ये मेरा हक है, आप हटिए। रुक जाओ। कौन है? विपक्ष पार्टी का है कि रूलिंग पार्टी का है? बुलाओ इसको, बात करता हूँ। नहीं नहीं, वो तो गुंडा। तब तो गले लगाऊंगा। इंस्पेक्टर मैडम, उनको आने दो। वीरेंद्र हीरो, हमारा हीरो, वीरेंद्र हीरो। आ जा भैया, आओ। इस देश को तुम्हारे जैसा बहादुर का बहुत जरूरत है। इतनी बढ़ाई करने की जरूरत नहीं है मंत्री जी। मंत्री जी, मंत्री जी, कहा है ये गाना? कौन सी फिल्म का है? बॉबी का। चुप हो जाओ, तुम कहे हंस रहे हो? आप हंस रहे थे ना। आपकी हंसी में हम हंसी नहीं मिलाएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे ना। ठीक है ठीक है, सुनो हमने कहा किया है पता है? अरे वहाँ वो गरीबों की बस्ती में वो गुंडा हमसे गले मिलने के लिए आया था ना, तो हम उसका पड़ोस मार लिया। अरे वो चोर मंत्री, तो तेरा रूट ये है? ओहो, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात हो गई है, इस बात को भी आपको पेपर में लिख लेना चाहिए। लिखूंगा लिखूंगा, बिना लिखे थोड़ा ही रहूंगा। अरे बाप रे, पड़ोस पड़ोस, हमने उसका पर्स मारा, वो तो हमारा पर्स मार लिया। हमारे मंत्री का पर्स? डम डमा डम डम डमा डम। क्या हुआ बेटे? इस कागज में तो मंत्री के सारे काले कारनामों का लेखा जोखा लिखा है। मंत्री महोदय, इसके बाद तेरी सीट डम डमा डम डम डम। आप चिंता मत कीजिए सर,
उस दिन वहाँ पर ड्यूटी पे थी एसआई विजया, उसे भेजकर मंत्री जी की चेन चुराने के जुर्म में उस चोर को अंदर करवा देंगे तो पेपर अपने आप बाहर आ जाएगा। क्या हुआ पुलिस बेबी, इधर कैसे? तुम्हें 7 साल जेल भेजने का मौका अब मुझे मिला है। ए पुलिस बेबी, तू मुझे 7 दिन की हवा खिलाएगी, लेकिन मैंने तुझे उसी दिन कहा था मैं तेरे साथ 7 जन्म बिताऊंगा। शट अप, मंत्री जी की चेन चुराने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ। क्या, मंत्री जी की चेन मैंने चुराई है? हाँ, वो चेन तुमने ही चुराई है ऐसी मंत्री जी ने कंप्लेंट दी है। चुपचाप मेरे साथ थाने चलो। देखो पुलिस बेबी, पुलिस की जिम्मेदारी अधिकारियों के हाथ नहीं बिकनी चाहिए, सच्चाई के हाथ बिकनी चाहिए, न्याय के हाथ बिकनी चाहिए। कोहिनूर को चुराने वाला कोई चोर नहीं था, वो एक साम्राज्य था। वही काम चोर ने किया होता तो उसे डकैत कहा जाता, चोर कहा जाता, है ना? तुम्हारा भाषण सुनने के लिए जेल में बहुत सारे कैदी हैं। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। रुको, मुझे अरेस्ट करने से पहले उस मंत्री को अरेस्ट करो। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। बड़े बड़े जुर्म किए हैं, उनके सबूत मेरे पास हैं। मैंने मंत्री जी की चैन नहीं चुराई, पर्स चुराया। मैंने जो पर्स चुराया उसमें 5,000 रुपए थे। प्यासे गरीबों की प्यास आपके नेताओं ने या सरकार ने नहीं बुझाई। एक चोर बनकर मैंने इस काम को अंजाम दिया, उनकी प्यास बुझाई। देखो वो देखो। ये देखो, इस पर्स में पैसों के साथ एक कागज भी था। इसमें मंत्री जी ने किस किस से कितने रुपए लिए हैं इसका पूरा हिसाब किताब है। अगर मैंने एक जेब काटी है तो उन्होंने 70 करोड़ गरीबों की जेबें काटी हैं, और उसका सबूत इस पेपर में मौजूद है। ये तू क्या बोल रही है बेटी? मोहल्ले के लोगों को पानी ला के देने के लिए मंत्री का पर्स चुराने पर वीरू का अरेस्ट करेगी? या वोट लेने के बाद भी हम गरीबों को पानी नहीं देता है उस मंत्री को अरेस्ट करेगी? बोल बेटी। अगर तुम एक ईमानदार पुलिस वाली हो तो मेरे साथ उस मंत्री को भी अरेस्ट करके इस टोपी में लगे अशोक चक्र का सम्मान करो। What? ये क्या कह रही हो? सर, वीरू ने जो पर्स चुराया उसमें मंत्री जी के काले कारनामों का पूरा सबूत है। इस सबूत के आधार पर हम मंत्री जी को अरेस्ट कर सकते हैं। मिस विजया, ऐसा करने पर हंगामा हो जाएगा। एक काम करो, उसे जला दो। सॉरी सर, आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे क्या करना है वो मैं करके रहूंगी। ये सारे सबूत ले जाकर मैं खुद मुख्यमंत्री को सौंप दूंगी। हेलो मैडम, एसपी साहब हैं। रॉन्ग नंबर है, बोल दो। कहा जमाना आ गया, हमको रॉन्ग नंबर बोलना पड़ रहा है। रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। एसपी साहब, ये क्या बोल रहे? ऐसे विजय वीरू से पेपर लेकर देने के लिए मना कर रही है। ठीक है, रूट बदलता हूं। मेरे रूट ही अलग है। मिस्टर चंदर, लड़कियों की चीखें मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जेब में जो मंत्री जी का पेपर है वो मुझे दे दे, रेपिंग से बच जाएगी, वरना सच में रेप करना पड़ेगा। मेरा रूट ही अलग है। तू जैसे कमीनों का रूट मैं अपने बूट से बदल देती हूँ। तुझे सबक सिखाने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर आया हूँ। मेरा रूट भी अलग है। आ,
चल बे कमीने। मेरा रूट ही अलग है। हमारे डिपार्टमेंट के एक लेडी एसआई को किडनैप किया है और अभी तक हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। पहले पुलिस फोर्स को मोबिलाइज करके एसआई विजय कहां है उसे ढूंढो। विजय आर यू सेफ? हाँ शी इज सेफ। आप जैसे अफसरों के होते हुए भी अपनी इज्जत बचा ली है। डोंट टॉक रबिश। वैसे तुम हो कौन? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मैं एक चोर हूँ। खाकी वर्दी और पैरों में बूट नहीं, सर पर टोपी नहीं, फिर भी इज्जत और सच्चाई की मर्यादा रखने वाला श्री 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 चोर हूं मैं। 304 ये नंबर सच्चाई के लिए अपनी जान देने वाले कांस्टेबल धर्मचंद का नंबर है। यानी तुम शायद आपको यकीन नहीं होगा, आज से 25 साल पहले जिस धर्मचंद कांस्टेबल का बेरहमी से खून हुआ उसी का बेटा हूँ। मिस्टर, कानून हाथ में लेने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। अरेस्ट करेंगे? अगर इन्हें अरेस्ट करेंगे तो आपकी बीवी की इज्जत कौन बचाएगा एसपी साहब? बता दिया ना, जरूरत पड़े तो बुला लेना। ऑफिस में तुमने जो कुछ भी कहा उससे मैं समझ गई कि तुम्हारे अंदर भी एक सच्चे पुलिस वाले का खून दौड़ रहा है। वीरू, तुम्हारे गले में जो नंबर है उससे तुम्हारा क्या संबंध है? खून का संबंध है। लेकिन जो नंबर है ये धर्म का नंबर है, सच्चाई का नंबर है, कांस्टेबल धर्मचंद का नंबर है। पिताजी, पुलिसमैन को खाकी वर्दी क्यों देते हैं? अधर्म और अन्याय को बचाने वालों की रक्षा करने के लिए हमें ये खाकी कपड़े दिए जाते हैं। यानी हम लोग रक्षा नहीं कर सकते हैं? नहीं बेटे, देश में हो रहे अन्याय को और धर्म को बचाने का हक हर नागरिक को है। ओए, मेरे भाई को सूली पे चढ़ाने वाले धर्मचंद को जीने का कोई हक नहीं है। आज ही उसे खत्म करूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, अगर धर्मचंद को बचाने की किसी ने भी कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अगर मौत को तमाशा देखने की हिम्मत नहीं तो अपने अपने घरों में जाकर छुप जाओ। अगर कोई बीच में आया मैं तुझे भी बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा, ठीक है? मेरे भाई को सूली पे चढ़ाकर मेडल पाकर गर्व महसूस कर रहा है धर्मचंद, अब मैं तुझे भी वैसे ही मारूंगा। दुर्योधन! पिताजी! अगर इस एक्सीडेंट की सच्चाई किसी को भी बताई तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उस दिन पिताजी की अस्थियों में मुझे ये बैज मिला जिसका नंबर 304 था। पिताजी के मरने के बाद मैं अनाथ हो गया था। भूख और मजबूरी में मैं चोर बन गया। मैं जिस पाठशाला में पढ़ा करता था वहां से मेरी पढ़ाई छूट गई। जीने के लिए बहुत संघर्ष किया। अगर उस दिन मेरे पिताजी मरे ना होते तो मैं भी पढ़ लिख कर आज तुम्हारी तरह पुलिस ऑफिसर होता। क्योंकि गरीबी क्या होती है मैं महसूस कर चुका हूँ, इसीलिए गरीबों की मदद करने के लिए मैं चोर बन गया। वीरू, मैंने तुम्हें 7 साल की सजा देनी चाहिए लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। तुम्हारे साथ ही मैं अपने सातों जन्म बिताना चाहती हूँ। आई लव यू वीरू। है लगते है मिर्ची, चलती है सीधी देखती है तू तिरछी। मुस्कान तेरी सनम मीठी मीठी, फूलों से कलियों से है दोस्ती। जो तुझको देख लो तो छाए बेखुदी, छाए बेखुदी। आँखों में आग है, आँखों में आग है, लगते है बर्फी, जो मुझसे उलझ नहीं खाए।
के दिए हुए सबूत के कारण मुख्यमंत्री ने एक मंत्री को बर्खास्त किया। मंत्री कन्हैया को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। एमएलए की पदवी गई और 6 साल तक किसी भी इलेक्शन में वो भाग भी नहीं ले सकते हैं। कहां है वो मंत्री कन्हैया? अब रोने से क्या फायदा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया पेपर में मत लिखा कर, लेकिन तू नहीं माना। क्यों रे, अधिकार के बल पर तो खुद नाचा और हमें नचाया। अब तेरी जिंदगी पानी के बुलबुले की तरह फोड़ के रख दूंगा। म्युनिसिपैलिटी वाले तेरी लाश भी नहीं उठाएंगे। खुजली वाले कुत्ते की तरह तू हमेशा खुजाता रहेगा, पर कटे पंची की तरह छटपटाता रहेगा। तूने मुझे अंग्रेजी में न जाने कितनी गाली दी, वो भी कहा तू तो फटे हुए टायर की तरह ऐसी ट्यूब है जिसपे कभी पंचर भी नहीं चिपक पाएगा। जी तो करता है तेरी चमड़ी उतार कर जूते बनाए, उसी के लेस बनाए, बेल्ट भी बनाए जिसे सब लोग पहन पाए। उसके बाद जब तू मरेगा तो मिलके सब तुझे जला देंगे। नहीं नहीं, हमारी कुर्सी छीने अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ और हमारी ये हालत कर दे। पदवी छीनने के बाद तुझे कबाड़ी वालों के पास बेचेंगे तो भी 5 पैसे नहीं मिलेंगे। बेचारा हमारा भूतपूर्व मंत्री है, शराफत से मंत्री बने रहकर काम करना चाहिए, लेकिन इस पागल ने अपने ही पेपर में स्टेटमेंट लिखा। ठीक है, मैं सारे नौकरों को निकाल देता हूँ। आज से उनका सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। हमारे व्हिस्की में सोडा डालना, किचन में चिकन 65 बनाना और जिंदगी भर पुरानी बातों को याद कर करके रोते रोते यही मरना। ये पहन के रखना अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारे देश में बूढ़ों का बहुत आश्रम है, अपाहिज के लिए हॉस्टल भी है, लेकिन यह सब हमारा दुश्मन हो गए हैं। कुर्सी छीनते ही हम भूतपूर्व मंत्री को धत। एक नेता का बंटा धार हो गया, दूसरे ने उसकी गवाही दी। वीरू,
हाय पुलिस बेबी, इधर कैसे? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो ना। तुम्हें देखकर मुझे देखकर तुम्हें देखकर कुछ कह नहीं पाती हूँ वीरू, तुमसे आज नहीं किसी और दिन कुछ मांगूंगी, मना मत कर देना। हाँ चलती हूँ। हाय लॉयर बेबी, इधर कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो ना। तुम्हें देखकर मुझे देखकर तुम्हें देख के मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ वीरू, तुमसे आज नहीं किसी और दिन कुछ मांगूंगी, मना मत कर देना, मैं चलती हूँ। इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ, औरत तो औरत ही है। विजय के साथ जो हुआ और किसी को पता चल जाए तो क्या उससे कोई शादी करेगा? क्यों नहीं करेंगी, कमाने वाली लड़की मिलेगी तो कोई भी शादी करने से मना नहीं करेगा। ये सब विजया के साथ रहने से हो रहा है। हाँ अंकल, जेल में दो दिन अगर बंद रखूंगी ना। देख लिया, पुलिस की वर्दी पहन के हमेशा मर्दों वाली बात करती है, पहले उन्हें फोटोज दिखाओ ना। फोटोज? ये देखो कुछ लड़कों की फोटो है। तुम दोनों अंदर जाके कोई अच्छा सा लड़का सिलेक्ट कर लो, फौरन शादी करवा दूंगा। ये क्या, सारे फोटोज फेंक दी, कोई भी लड़का पसंद नहीं आया? विजया, फोटो देख के लड़का सेलेक्ट करूंगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कैसा लड़का चाहिए मैं जानती हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इनमें से कोई पसंद कर लो, मुझे नहीं देखना है फोटोज में। लड़के लोग अच्छे पोज में खड़े हो जाते हैं लेकिन असली जिंदगी में कैसे होती पता नहीं ना। मुझे कैसा लड़का चाहिए ये मैं जानती हूँ। हाँ तो ठीक है, बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? जो तेरे मन को भी भाई वैसा लड़का चाहिए। और तुझे? जो तेरे मन को भाएगा वो मुझे भी भाएगा। जाने कैसा होगा। पुजारी मेरे लव गुरु, प्यार करने का मौसम हुआ शुरू। क्या है तेरी चाहत, क्या है अरजू, पास है जा मेरी पूरी कर दू। जादू है ये रूप का है जादू, कर ना पाएगा तो खुद को काबू। शराब की तरह है, दिल ये दहक जाए, आरज़ू दहक जाए, कोई ये हो जाए शमा। मौसमी बहार की रौनक है हमसे, साथ छोड़े ना कभी तेरा अब कसम से। प्यार जिंदगी अपनी, प्यार जिंदगी अपनी, प्यार दे जीना यहाँ। दिल में बस प्यार हो, आँखों में प्यार हो, नाम हो दुनिया ना इंतजार हो, ये कलयुग संसार हो। इश्क के पुजारी मैं हूँ लव गुरु, प्यार करने का मौसम हुआ शुरू। हाँ।
तो मेरे इश्क को चांदनी मिली है। तू मेरी पूजा हो, तू मेरी आरती हो, तू मेरे दिल की दुआ। दिल का आसमान तू, दिल की तू जमीन है। तू मेरी वफाओं की मीठी रागनी है। अपनी इस कहानी को प्यार की निशानी को या मेरे फिदाए जहां। इश्क के पुजारी मैं हूँ लव गुरु, प्यार करने का मौसम हुआ शुरू। इश्क के पुजारी मैं हूँ लव गुरु, प्यार करने का मौसम हुआ शुरू। मिस माधवी, उस लड़के के बारे में तुम मुझे खुद बताओगी या एक पुलिस ऑफिसर बनके मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? योर ऑनर, शर्म औरतों का गहना होता है, इसलिए मेरी ये क्लाइंट मुंह से नहीं बताएगी। इस किताब में उसका फोटो होगा, अभी दिखाती हूँ। स्टॉप देयर, इस फोटो को पहले मैं देखूंगी, देखने के बाद वो लड़का शरीफ है या गुंडा मैं डिसाइड करूंगी। अरे बापरे, मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर तुमने देखा तो तुम्हें मर्डर केस में अंदर करवा दूंगी। मुझे नहीं दिखाओगी? तब तो मुझे सेक्शन 144 लगाना होगा। विजय प्लीज, रहने दो ना विजय। तुम तो सही विजय, प्लीज विजय, विजय छोड़ो भी, विजय मुझे देखने दो, विजय मेरी बात तो सुनो। ये क्या, तेरे इस लड़के का दिल तो मेरे पास आ गया। तो क्या हुआ, चेहरा तो मेरे पास में है। बापरे, अभी बहस किस लिए? ये लकी मैन कौन है, हम जोड़ के देख लेते हैं। परेशान मत करो ना, मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ बी स्टडी। उसे देखते ही तुम एकदम से घबरा जाओगी, तुम्हें शौक लगेगा, बहुत ही बड़ा शौक। ये देखो विजया, मेरी पसंद का लड़का देख लिया ना, शौक लगा ना? अब बताओ विजया, वीरू को पुलिस की नजरों से न देखकर मेरी नजरों से, अपने अनुभवों से एक बार उसे ध्यान से देखो विजया। उसकी बातों में सच्चाई और ईमानदारी है। एक लड़की जो जीवन में चाहती है, वो सारी बातें वीरू के अंदर है। किसी को वीरू जैसा पति मिलना सौभाग्य की बात होती है, इसीलिए मैंने वीरू से ही शादी करने का फैसला किया है। मेरा जीवन साथी चुनने की पिताजी ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है ना, इसलिए वीरू से और पिताजी से तुम्हें बात करनी होगी, तुम्हें सब कुछ करना है। ओके ओके, मैं जरूर उनसे बात करूंगी। थैंक यू विजया, थैंक यू। पुलिस बेबी, क्या बात है, बगैर हथकड़ी के, बगैर वर्दी के, बगैर जीप के इधर कैसे? कहीं मुझे अरेस्ट करने के लिए इन सादे कपड़ों में तो नहीं आई हो? मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसके लिए उनकी जरूरत नहीं। यानी तुम्हारे साथ किसी का रिश्ता बांधने के लिए आई हूँ? अरे बाप रे बाप, साड़ी पहनते ही सारी स्टोरी बदल दी। तुम्हें 7 साल की हवा खिलाने का वादा किया था, भूल गई क्या? कभी कभी कुछ बातें भूलनी भी पड़ती है। एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि कुछ मांगोगी, तुम्हें याद है ना? भूले तो नहीं? काटी हुई जेब और की गई बातें मैं कभी नहीं भूलता हूँ। तो ये लो। क्या है ये? शादी का जोड़ा, तुम्हें किसी का दूल्हा बनना है। मुझे? हाँ तुम्हें ही, तुम्हें माधवी से शादी करनी होगी। मैं और माधवी से शादी कर अरे बाप रे, अच्छा हुआ किसी लेडी ऐसा ऐसे शादी करने के लिए नहीं कहा। हेलो
मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला पुलिस बेबी। मजाक नहीं कर रही हूँ, माधवी तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरे बारे में सब जानते हुए भी? सच्चे प्यार में किसी इंसान को नहीं उसके मन को ही देखा जाता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम माधवी से ही शादी कर लो। लेकिन मैं तो एक चोर उचक्का हूँ, मेरा खुद का कोई अता पता नहीं, ये जानते हुए भी। वीरू, एक लॉयर से एक चोर की शादी कराने के लिए एक पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पास आई है, तो जरा सोच कर देखो कि मैंने अपने मन में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत बना कर रखी है। माधवी तहे दिल से तुम्हें चाहती है, तुम उसका दिल मत तोड़ना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती है, और अगर तुमने मना कर दिया तो वो पागल हो जाएगी, हो सकता है वो अपनी जान भी दे दे। विजय। हाँ वीरू, माधवी अमीरों में रहकर भी हमेशा गरीबों की ही भलाई चाहती है, और तुम चोर होकर भी अमीरों को लूटकर उनके पैसों से गरीबों का दुख बांटते हो, तुम दोनों के सपने एक ही हैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। जल्दी से ये कपड़े पहन लो, माधवी के पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। विजय। इंस्पेक्टर विजय, माधवी से शादी नहीं की तो अरेस्ट कर लूंगी और 7 साल की सजा दिलवाऊंगी, अब जल्दी जाओ। भैया। हाँ भैया, किसे मिलना है? भार्गव साहब कहाँ हैं? जी अंदर हैं। अंदर हैं, ठीक है। वीरेंद्र तुम्हारा ही नाम है? हाँ सर, नमस्ते। गुड, दिखने में काफी हैंडसम हो, माधवी से शादी करना चाहते हो? हाँ सर, वही बात करने के लिए विजया ने मुझे आपके पास भेजा है। क्या हुआ सर? तुम एक चोर और बाजारी गुंडे हो, किस हैसियत से मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? मंगलसूत्र चुराने वाला चोर मंगलसूत्र की अहमियत क्या जाने? ए सूर्या, रुक जाओ, ये सीढ़ियां बहुत कीमती हैं, इनके ऊपर कदम मत रखना। क्योंकि पहली 3 सीढ़ियां मेरी दौलत हैं, बाद की 3 सीढ़ियां मेरी शोहरत हैं, उसके बाद की सीढ़ियां मेरी जायदाद, मेरी सोसाइटी और मेरी पोजीशन हैं। इनमें से एक भी सीढ़ी पार करने की क्या तुझ में औकात है? जब होगी तब मेरी बेटी से शादी करने आ। कैंची ब्लेड यही इसकी जायदाद है, जेल में जाकर रहना इसकी शोहरत है, पुलिस के बूटों से मार खाना इसकी पोजीशन है, चोर की जिंदगी जीना ही इसकी तकदीर में लिखा है। अपने अपने जेब संभालना भाई। मिस्टर भार्गव, दौलत शोहरत इज्जत की ईंटों से बनाई हुई तुम्हारी सीढ़ियों पर एक भी कदम रखे बिना कितनी ऊंचाई पर आ गया हूँ देखा? दिल में आत्मविश्वास और ताकत हो तो इंसान किसी भी ऊंचाई पर जा सकता है, लेकिन मैं यहीं पर रुक गया। क्यों पता है? तुम्हारी लड़की मुझे चाहती है, मुझसे शादी करना चाहती है। तुम्हें पैर धोने होंगे अपनी लड़की का कन्यादान करने के लिए, और वो पैर मेरे ही होंगे, इसलिए मैं यहीं रुक गया, चलता हूँ। माधवी के गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हारे घमंड की इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर मैं ऊपर आऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। माधवी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे इंसान ही नहीं समझा, बुरी बातें कहीं, मुझे चोर कहा, मेरी बेइज्जती की, क्या इंसान की कोई इज्जत नहीं होती? उन्होंने गलत क्या कहा? जो भी कहा एकदम सच कहा। माधवी, कॉल मी लॉयर माधवी। तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हर साल एक तारीख आती है, अप्रैल 1, और आज वही तारीख है, देख लो। मैंने और विजय ने तुम्हें शादी की बात बोलकर अप्रैल फूल बनाया, तुम सही मानकर चले आए। हाँ, तुम ठहरे एक चोर उचक्के और मैं एक लॉयर जिसके समाज में इज्जत है, तुमने मेरे बारे में सोचा भी कैसे? ओह हो, पत्नी अगर वकील हो तो मुझ पे कभी कोई केस नहीं होगा, सच कहा ना? मिस्टर वीरेंद्र, सही मायने में देखा जाए तो दुनिया में इससे बड़ा कोई जोक नहीं होगा,
किसी चोर ने किसी वकील के साथ शादी कर ली, इस तरह का जोक मैंने तो नहीं सुना। Stop it, माधवी। All right, sorry. Sorry, liar माधवी। इस दुनिया में अमीर औरत पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन तुम्हारे पीछे मैं जोकर बनकर नहीं आया हूँ। बीवी वकील होगी तो मैं चोरी छोड़ दूंगा ये समझ कर आया, लेकिन मेरी पति मारी गई थी जो विजया के कहने पर मैं यहाँ चला आया। लेकिन मेरे चोर होने पर तूने इज्जत की, लेकिन आदमी समझने में बेइज्जती की, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुनो, ये चोर तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके तुम्हारे सामने आएगा और तुम देखती रहोगी मैं इंसान हूँ या कोई जोकर, सोचकर पछताओगी। विजया, जो तू कर रही क्या सही है? माधवी तेरी सहेली है इसलिए ये त्याग कर रही है? ये त्याग नहीं है, माधवी के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे वो शादी करेगी, इसमें भी मैं खुश हूँ। वीरू मुझसे प्यार करता था, ये बात माधवी को कभी मत बताना, नहीं तो मैं उसके एहसान का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगी। वीरू, लाइफ में भी ए जोक बट नॉट लव, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए किया ताकि विजया की जिंदगी बर्बाद ना हो। प्यार के शब्द को भी बेइज्जत किया है माधवी ने। तुम जो कह रहे हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें चाहती है, उसने ऐसा क्यों किया अभी जाकर पूछती हूँ। विजया, तुम जाके माधवी से क्या पूछोगी कि वीरू को धोखा क्यों दिया, यही ना? वीरू, माधवी से बात करने के लिए तुम्हारे ही कहने पर मैं उसके घर पर पहुंचा था, लेकिन माधवी ने मुझे जोकर बनाया और खिलौने की तरह मेरा दिल तोड़कर उसने मेरी बेइज्जती की, मेरा जो उसने अपमान किया उसका मैं उसे जवाब देना चाहूंगा, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वीरू, मैंने ही तुम्हारे मन को दुखाया है, बोलो मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वेलकम वेलकम, कंग्रेचुलेशंस। वकील जैसे झूठ बोलकर केस जीतते हैं, वैसे ही मैंने झूठ बोलकर तुम दोनों की शादी करवाई। माधवी, वीरू, अगर मैंने तुम्हें बेवकूफ न बनाया होता तो क्या तुम्हें इतनी खूबसूरत पत्नी मिलती, बताओ? माधवी, देखो वीरू, आप अपने उस चक्कर को फेंक दो, तुमने बाहर जाके कोई चोरी वगैरह की तो विजया तुम्हें नहीं छोड़ेगी। हाँ, इसलिए अब तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। पहाड़ के नीचे तूने मेरा धंधा चौपट कर दिया, तूने मेरे बेटे को जेल भिजवाया और बचने के लिए इंस्पेक्टर विजया से शादी कर ली। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो तू बहुत आगे निकलेगा, तुझे शादी का तोहफा देकर तुझे ही जेल भिजवाऊंगा। हाथ में चक्कर रखकर डायलॉग बाजी मत मारो डैडी, उस वीरू को जेल कैसे भेजना है सोचो। उस वीरू और वकील भार्गव के पुरानी झगड़े की बात बताकर इस चक्र को काम में लाऊंगा, भार्गव को मार के वीरू को फंसाएंगे। विजया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चोर को पकड़ने जिस स्पीड से आती हो उसी स्पीड से यहाँ आओ। ओफो, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है, ये लो दूध। अरे चांदी का गिलास, विजया तुम जानती हो मेरी पहली चोरी चांदी के गिलास से ही हुई थी। तुम ही तो फोन बज रहा है, जाके उठाओ, अभी आकर तुम्हारी खबर लेती हूँ। हेलो, एसआई विजया स्पीकिंग। वकील भार्गव का उन्हीं के घर में खून हो गया है, तुम फौरन वहां जाओ। Oh,
सर, भार्गव जी के डेडबॉडी के पास से यह चक्र मिला है। विजया, वीरू ने ही भार्गव का खून किया है, उसके लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? उसे अरेस्ट करो। सर, हमारे डिपार्टमेंट में सेंटिमेंट के लिए कोई जगह नहीं। तुम तो वैसे भी बहुत सिंसियर ऑफिसर हो ना, उसे अरेस्ट करो। यस सर। अगर हमारा हनीमून पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं दूर हो तो कितना अच्छा रहेगा। विजया, कमरे में तुम्हारी पायल की आवाज आनी चाहिए, लेकिन यह क्या बूट की टक टक आवाज आ रही है? लेकिन कुछ भी कहो, पुलिस के ड्रेस में तुम कोर्ट में जज के सामने बहस करके उस वीरेंद्र को सजा दिलवाओगे तो घंटे के 10,000 रुपए के हिसाब से पैसे दूंगा, और अगर तुम उसे फांसी लगवाओगे तो मैं तुम्हें सोने का कोट बनवा के दूंगा। जी अच्छा। डैडी, वो बहुत बड़ा चोर है, अगर फांसी की जो रस्सी है उसने वो चुरा ली तो उसे बिजली की कुर्सी पर बिठवा के मरवा देंगे। करंट चला गया तो उसे अपने पैरों से कुचल कर मार डालूंगा। उल्लू का पट्टा दिमाग की दही करता है। तू चुप कर। माधवी, मैं यहाँ तुम्हारी सहेली बनकर नहीं आई हूँ, एक क्लाइंट बनकर आई हूँ। हाँ माधवी, तुम मेरी एक बहुत अच्छी सहेली हो, बड़ी बहन की तरह मुझे चाहा है, मेरी हर खुशी को पूरा किया है, मुझे पिता का सौभाग्य दिलाया। अपने प्यार को त्याग कर तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनवाया, लेकिन इस सौभाग्य ने आज अपने पति को जेल भिजवा दिया। हमारी सुहाग रात भी नहीं हो पाई, उससे पहले उन्हें जेल भेजना पड़ गया। माधवी, आप कहीं ऐसा ना हो कि मेरी चूड़ियां भी टूट जाएं। मेरे पति को बेगुनाह साबित करके मुझे वापस लौटाना होगा। माधवी प्लीज, माधवी। विजया, ये क्या कर रही हो? तुम्हें रुलाने के लिए मैंने ये शादी नहीं करवाई, तुम्हारी खुशी के लिए करवाई है। तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है उस पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। वीरू निर्दोष है, ये मैं साबित करूंगी। देखो, पुलिस और वकील साथ साथ हो तो जीत निश्चित हो जाती है। माधवी, बेटी माधवी, अपने पिताजी के मरने के बाद तू बहुत अकेली हो गई है, यहाँ आके रह ले। जरूर आऊंगी आंटी, मैं कल अदालत में पहली बार किसी का केस लड़ूंगी। केस जीतकर अदालत से सीधा तुम्हारे घर ही आऊंगी, तब आप मुझे शाबाशी दो या ना दो कोई बात नहीं, पर मेरी विजय खुश रहनी चाहिए। मिस्टर वीरेन, भार्गव के कत्ल के आरोप में सरकारी वकील ने तुम्हारे खिलाफ सबूत पेश किए हैं, तुमने अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील किया है? वीरेंद्र की तरफ से ये केस मैं लड़ूंगी योर ऑनर। मिस माधवी, आप? योर ऑनर, ये अपने पिता के कातिल का केस लड़ रही हैं। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। ये निर्दोषी कहकर वकील भार्गव की बेटी होकर मैं ये केस लड़ रही हूँ, इसमें आश्चर्य क्या है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मेरा क्लाइंट मुलजिम वीरेंद्र पुलिस की नजरों में एक चोर है, पर हकीकत में देखा जाए तो ये बात सही नहीं है। योर ऑनर, पुलिस और सबूतों के आधार पर न्याय सुनाने वाले आप, इंस्पेक्टर विजय ने एक चोर से शादी की, इस बात पर जरा सोच कर देखिए। जब इंस्पेक्टर एक चोर से शादी कर सकती है तो जाहिर है वो कोई चोर नहीं हो सकता। दरअसल मिस्टर भार्गव ने कुछ लोगों के कहने पर मुलजिम वीरेंद्र का अपमान किया था, उसके बाद भी वीरेंद्र ने अपने उस अपमान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और एक चैलेंज के रूप में इसने कहा कि ये चोरी छोड़ देगा, और अपने वादे के मुताबिक इसने किया। इंस्पेक्टर विजय से शादी करके वो चक्र फेंक दिया, और ये मिस्टर भार्गव बर्दाश्त नहीं कर पाए, और मिस्टर भार्गव के साथियों ने उन्हें और भड़काया। उस रात पिताजी के साथ मेरी बहुत बहस हुई कि उन्होंने वीरू का अपमान क्यों किया। पिताजी मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाए, इस बात पर वो गुस्सा हो गए, उन्होंने मुझे चांटा मारा। गुस्से में आग बबूला होकर पागलों की तरह चिल्लाकर और भाग के जाकर उन्होंने अपनी अलमारी में से रिवॉल्वर निकाली। विजय, जरा अपनी रिवॉल्वर मुझे देना। मैं रिवॉल्वर के सामने खड़ी हो गई। पिताजी प्लीज, मेरी सहेली की जिंदगी बर्बाद मत करो, बोलकर गिड़गिड़ाई। उन्होंने कहा कि मैं वीरेंद्र को जान से मार डालूंगा, और फिर उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया। नहीं, मैं वीरेंद्र का खून नहीं होने दूंगी, ऐसा बोलकर मैंने उनसे रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। हमारी हाथापाई हुई, एक दूसरे पे चिल्लाए, बिल्कुल पागलों की तरह छीना झपटी करने लगे, और अचानक वो रिवॉल्वर चल गई। योर ऑनर, उस
वक्त रिवॉल्वर में से जो गोली निकली उसी ने मेरे पिताजी की जान ली। मैं सच कह रही हूँ, वीरेंद्र ने पिताजी को नहीं मारा, वो निर्दोष है। इन वकीलों के सामने, पुलिस के सामने, इस भरी अदालत में मैं सच कह रही हूँ। मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, मेरे पिताजी भागव को वीरेंद्र ने नहीं मारा, वीरेंद्र ने नहीं मारा। माधवी, मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए तुमने अपने आप को गोली मार ली। तुम्हें छुड़ाना था वीरू, मुझे अकेले छुड़ाना था। पिताजी को जिसने मारा, उस हत्यारे को मौत की सजा देने के लिए तुम्हें छुड़ाया। माधवी, तुमसे एक वादा करूंगी। हाँ जरूर माधवी, जब भी तुम दोनों की कोई लड़की होगी तो माधवी ही रखना। अपनी लड़की को मेरा नाम दूंगी ना। ये झूठ है, सरासर झूठ है। वीरेंद्र को बचाने के लिए ही ये नाटक किया गया है। हाँ, वो वीरेंद्र खूनी है, उसे फांसी की सजा दो। वकील भार्गव की हत्या के जुर्म में इस अदालत ने वीरेंद्र को बेकसूर ठहराया है, लेकिन आवेश में आकर अदालत में ही एक पुलिस अधिकारी पर वीरेंद्र ने हमला किया, इसलिए ये अदालत वीरेंद्र को 4 साल की कड़ी सजा का हुक्म देती है। मैं कल अदालत में पहली बार किसी का केस लड़ूंगी। केस जीतकर अदालत से सीधा तुम्हारे घर आऊंगी। तब आप मुझे शाबाशी दो या ना दो कोई बात नहीं, पर मेरी विजय खुश रहनी चाहिए। विजया, तू है यहाँ पर, क्यों आया है? चोर से शादी करके तूने उसे जेल भेजा, अब उसके आने तक जो सुख तुझे मिलना चाहिए मैंने सोचा चल के मैं ही दे दूं, मेरा रूट ही अलग है। शट अप, चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो चमड़ी उधेर दूंगी। अरे रे 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 रे, कितना घमंड है, जेल में जो पति है उस पे इतना भरोसा है। अरे वो जेल में गया है, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं गया है। चंदन, इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है, उस जेल को यूनिवर्सिटी में बदल दूंगी। हमारे देश का कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में ना गए हो। माइंड इट। लेकिन वो एक चोर है और चोर ही रहेगा, कभी वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा। मैं बना के दिखाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ताकत उसमें जगाऊंगी, तभी तेरा रूप बदलेगा। विजय, ये क्या बोल रही हो? हाँ वीरू, तुम्हें पढ़ना होगा। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उनका सर झुकाने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा, और इस जेल में रहकर ही तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। ये जेल तुम्हारे लिए एक यूनिवर्सिटी है। विजय, तुमने मुझसे शादी करके मुझे एक नया रूप दिया है। माधवी की ख्वाहिश और तुम्हारे विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये जेल की दीवारें नहीं है, शांति निकेतन के पेड़ों की छांव है। देख लेना विजय, मैं तुम्हारा ख्वाब अपनी जान पर खेल कर भी पूरा करूंगा।
हेलो, कौन? मैं हूँ, दुर्योधन बात कर रहा हूँ। ओ, आप हैं? बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने, कहिए क्या बात है? ठीक है। हाँ ठीक है, कौन है डैडी? दिल्ली तिहाड़ जेल से काली नाम का एक खतरनाक डकैत भागकर हमारे शहर में आया हुआ है। अभी थोड़ी देर में ही हमारे पास उसका फोन आने वाला है, उसे हमारी गैंग में मिलाना है, ऐसा फोन में दुर्योधन ने कहा है। काली नाम का? मैं कालिदास बोल रहा हूँ। तू है? कहाँ से फोन कर रहा है? रिंग रोड के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ से। तू वही रहना, हमारे लोग पहुँचते ही होंगे। ऑपरेशन डिस्टर्ब मत करो, अगर मिनिस्टर साहब का ऑपरेशन खराब हो गया तो हम एक अच्छा नेता खो देंगे। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना, अगर मैं चाहूं तो इस बॉम्ब से पूरा हॉस्पिटल उड़ा सकता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश के मिनिस्टर जो ऑपरेशन करा रहे हैं वो भी मेरे हाथ में है। नो, अगर तुम्हें उनकी जान प्यारी है तो फौरन मेरे लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो। कहे मुताबिक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दिया है। ऑपरेशन थिएटर में मिनिस्टर साहब की हालत बहुत गंभीर है, कम से कम एक डॉक्टर को उन्हें अटेंड करने दो। ठीक है, भेजो। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वीरेंद्र कुमार। थैंक यू इंस्पेक्टर, पहले जाकर ऑपरेशन करो। जी अच्छा, जल्दी। Thank you.
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को आज बहुत गर्व हो रहा है। वीरेंद्र कौन है, उसका अतीत क्या है, ये हम सब जानते हैं। उस आदमी को शक्तिशाली बनाने में ऐसा ही विजय का हाथ है। मैं इनका सम्मान करते हुए इन्हें सीआई का ओहदा देता हूँ। शक्तिशाली वीरेंद्र ने काली जैसे खतरनाक गुंडे को पकड़कर हमारे डिपार्टमेंट का सर ऊंचा किया है। ऐसे ही वीरेंद्र को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान देता हूँ। विजया, ये सम्मान तुम अपने हाथों से दो। कोशिश, जिम्मेदारी, जिद, बस यही कुछ मंत्र मैं जानता हूं। एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से यह जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा, इसका मैं वादा करता हूं। और अन्याय को जड़ से निकाल फेंकने की कोशिश करूंगा, इसकी मैं आप सबके सामने कसम खाता हूं। दूध का गिलास, बाप रे, ये दूध का गिलास मुझे रास नहीं आता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, दूध का गिलास रखा कि नहीं, फोन बज गया। ओफो, उसे सपना समझकर भूल जाइए। सुनिए, क्यों ना आज कुछ अनोखा करें? ठीक है, करते हैं। सुनिए, जैसा हम कहानियों में पढ़ते हैं वैसा आम जिंदगी में करें। तुम्हें तो दिखा होगा ना? दिखा ना। कहाँ? यहाँ इस पलंग के नीचे, देखो। तुम भी बस। और नहीं तो क्या विजया, इसे तुमने पुलिस स्टेशन समझा है या अपनी फर्स्ट नाइट का बेडरूम समझा है? तुम भी बस। देखो इन फूलों को, देखो वहाँ उस चांद को, देखो ये सब छोड़कर, जब देखो चोर डाकू गुंडे लॉकअप पोस्टमार्टम मर्डर। सुनिए ना, ऐसे ऐसे देखो जैसे सलाखों के बीच कोई चोर बीड़ी के टुकड़े ढूंढ रहा हो, या बस स्टैंड पर कोई चोर किसी की जेब काट रहा हो। फिर से चोरों की भाषा शुरू करती। वही पुरानी बुद्धि। सॉरी सॉरी विजया, एक काम करें। क्या है बोलो? टम 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 टम। बत्ती बंद करके? नहीं नहीं, बंद मत करो। इसे बंद करके ये चला देता हूँ। बेकाबू तू है बड़ा, आ भर दूं
है प्यार का पहली मेरी ये प्यास है पहला ये एहसास है मेरी जवानी को तुम जीत लो दो प्यार मुझको मेरी प्रीत लो आंखों को अपनी जरा मूंद लो बेकाबू तू है बड़ा आवर तू मैं दिल तेरा चंदन की है खुशबू चाहत जगा जाए परवाना तो है मैं जाती शमा अब और ना मुझको तू आजमा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड गुड प्रसिद्ध डियर ऑफिसर्स हमारे कमांडर के आने की खुशी में आप सबके लिए एक छोटी सी ट्रीट है एक सुंदरी रॉकेट की तरह आपके सामने आकर डांस करेगी उसके बदन पे कहीं पे एक तिल होगा उसे आपको ढूंढना होगा ढूंढने वाले को 2,00,000 रुपए का इनाम मिलेगा वो भी हमारे दुर्योधन जी के हाथ से यस यस प्रोसीड लाइट्स ऑफ पैसों के लिए औरत के बदन पर तिल ढूंढने वाले तुम लोग सरकारी अधिकारी हो जिम्मेदारी को भूलकर पैसा और शराब के नशे के लिए सूर्यनाथ और चंद्रनाथ के फेंके हुए गोश्त के टुकड़े खाने के लिए कुत्ते हो तुम लोग कब तक मुझसे बचोगे हमारे देश की सीमाओं को लांघ कर यहाँ आतंकवाद फैलाने वाले तुम जैसे देशद्रोहियों को मैं नहीं छोड़ूंगा दुर्योधन इंडिया में तू पहला आदमी है जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया गुड गुड प्रोसीड तुझे जान से मारने वाला भी पहला आदमी मैं ही बनूंगा दुर्योधन सूर्यनाथ और चंद्रनाथ के काले धंधे के पीछे तेरा ही चेहरा छुपा हुआ ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ सूर्यनाथ चंद्रनाथ जैसे एजेंट मेरे सारे मुल्कों में फैले हुए हैं जैसे गोरे लोगों ने इंडिया पर हुकूमत की थी वही मेरा फार्मूला है मैं इंडिया को खरीदूंगा आफ्टर ऑल तू क्या है तू इंडिया को तो खरीद सकता है दुर्योधन लेकिन इसी इंडिया में जो धर्म है राजघाट की सच्चाई है और भगत सिंह जैसे जाबाज है उन्हें तू नहीं खरीद सकता उन सबको तो मैं चला के राख कर दूंगा और उनके साथ तुझे भी दुर्योधन इसके देशभक्ति कुछ ज्यादा ही बोल रही है मुझे इसकी लाश चाहिए
लोगों ने कोई चोरी की है क्या? अरे नहीं, ये सूर्यनाथ और चंद्रनाथ के चमचे हैं, स्मगलिंग करते हैं। इंस्पेक्टर साहब तो गांव में देवता बन के आए हैं। उस दिन काली को पकड़ने के लिए डिपार्टमेंट ने मुझे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया, उसका गर्व मुझे विजय आज महसूस हुआ। रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सही कहा, जो काम हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने नहीं किया वो आपने किया। उन शैतानों को बीच बाजार में से लेकर गए, इससे मेरा सर आज और भी ऊंचा हो गया है। थैंक यू मैडम। सुनिए, जिन लोगों का खात्मा करने के लिए हमने बेड़ा उठाया है वो लोग खतरनाक है, इसी बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ विजया। मेरे पिताजी को उस दुर्योधन ने मेरे ही आंखों के सामने मारा, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से उसके काले धंधों का भांडा फोड़ के। जब तक उसे सूली पर नहीं लटकाऊंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सुनिए एक और बात, वैसे तुम जिस चोर को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। चोर? कौन है वो चोर और कहाँ है बताओ, अभी अरेस्ट करता हूँ। अरेस्ट करके क्या करोगे, वो पहले से ही 9 महीने की सजा में है, जेल में बंद है। जेल में? कौन सी जेल में? कौन सी जेल में? इस जेल में। विजया खुश कर देता। यस सर, जरूर करूंगा। सॉरी सर, गलती हो गई जल्दबाजी में। यस सर, अभी रिलीज कर देता हूं। महीने का हफ्ता ना मिलने की वजह से तुमने 5-स्टार होटल में जाकर रेड डाली, इसलिए तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आए हैं। सर, सीनियर्स की बात अगर नहीं माने तो हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सर, मैं कैसा आदमी हूँ, मैंने अच्छा किया या गलत किया ये आप अच्छी तरह जानते हैं ना? जानता हूँ। उन दरिंदों ने कितने जुल्म किए ये आप जानते हैं ना? जानता हूँ। उन्हें अरेस्ट करके सजा दिलाना क्या हमारा फर्ज नहीं है? है। तो फिर मेरा ट्रांसफर क्यों हो रहा है? बोलिए सर। इसका कोई जवाब नहीं है, अगर होता है तो नेताओं के फोन के नीचे दब जाता है। इन नेताओं की मुट्ठी में रहने वाले बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के नोटों के बंडल के नीचे दब जाया करते हैं। इसीलिए वीरेंद्र, दुर्योधन की खाली विस्की की बोतल की कीमत भी हमारी नहीं है। फिर ये नौकरी और ये अधिकार क्यों? यही सोच सोच कर तो मैंने 30 साल की सर्विस गुजार दी। वीरेंद्र, तुम मेरे सबॉर्डिनेट नहीं हो, तुम कईयों के सबॉर्डिनेट हो। व्हाट कैन आई डू? सुनो, तुम्हारे इस ट्रांसफर को रोकना हो और इस अधिकार में बने रहना हो तो तुम्हें फौरन लोगों को छोड़ना होगा। सर, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स दिए गए हैं। सर, मैंने सोचा आप समझदार हैं, मेरे सीनियर ऑफिसर हैं और मेरी मदद करेंगे, लेकिन दूसरे देश से भागे हुए खतरनाक मुजरिम काली के पकड़ने पर उस दिन आपने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का खिताब दिया, फूल मालाएं पहनाई, तालियों से स्वागत किया, लेकिन आज ऐसे ही दरिंदों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला तो ट्रांसफर ऑफिसर से मेरा सम्मान कर रहे हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट सर। सर, हमारे देश का कानून नपुंसकों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। पुलिस की वर्दी में अधिकार अगर ऐसा है तो ये अधिकार मुझे नहीं चाहिए। पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जो मैं नहीं कर सका वो एक चोर बन के करके दिखाऊंगा। आज ही मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। दिस इज माई लास्ट सैल्यूट सर। आपके अधिकारों की जय, आपकी मजबूरी की जय, आपके डिपार्टमेंट की जय जयकार हो। चलता हूं सर। रुको, जल्दबाजी में तुमने जो फैसला लिया है इससे जनता को एक अच्छा ऑफिसर खोना पड़ जाएगा। रिजाइन करने की जरूरत नहीं, तुम पुलिस ऑफिसर बनके ही अपना लक्ष्य पूरा करो। सर, चोर भी बने रहना, पुलिस भी बने रहना। नो, इट्स इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। अरे अरे अरे, इतना सब ये क्या है? पेट में जो बच्चा है उसके लिए खिलौने, मेरी प्यारी सी बीवी के लिए साड़ी और इस चोर के लिए ये कपड़े। इतना सब लाने के लिए पैसा कहाँ से आया? ओहो, अच्छा, लगता है इस बार चोर को पकड़ने के लिए आपको कैश प्राइस दिया होगा। मेरी बात सुनो, अब से तुम अपना ख्याल रखो, कल से तुम नौकरी पे नहीं जाओगी। ओफो, ये क्या कह रहे हो? जब मैं ठीक से पैंट नहीं पहन पाऊंगी तब सोचूंगी। अरे पागल बीवी, क्या हुआ?
तुमसे नहीं, हमारा जो है ना ये लाडला। सुन बेटे, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ, बंदर की किताब भी लाया हूँ और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं। अब बस भी करो, ऐसी कहानियाँ सुन सुन के ये अवलात माने लगा है। मेरी बात सुनो, कहानी सुनकर पेट में ही अभिमन्यु जैसे महाभारत का एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था ना, वैसे ही हमारा बेटा भी हीरो बन जाएगा। हीर तू है मेरी, मैं तेरा राजना, तू मेरी है सजनी, मैं तेरा साजना। हीर तू है मेरी, मैं तेरा राजना, तू मेरी है सजनी, मैं तेरा साजना। मुझे दे ना मोहन का राज पालना, मैं जो भटक जाऊं बढ़ते संभालना। हीर तू है मेरी, मैं तेरा राजना, तू मेरी है सजनी, मैं तेरा साजना। गलियों का मौसम, मौसम में खुशबू, खुशबू से मिलता है तेरा पता। लाखों में हम दिल सबसे अलग तू है, कौन तुझसा यहाँ भी बता। हर एक पल तू ही दिल में रहे, जाने वफा तो जाने हया तो। आरसू के बादलों में ले चल हमें, प्यार से नहा दे अरे दो पल हमें, दो पल हमें। हीर तू है मेरी, मैं तेरा राजना, तू मेरी है सजनी, मैं तेरा साजना। मुझे दे ना मोहन का राज पालना, मैं जो भटक जाऊं चाहत की तुझसे सौगात पाई, अब जिंदगी को हाँ क्या चाहिए। नहीं है कोई तमन्ना, फिर दिल तड़पता है किसे। खा ले कसम हम यही आज से, होना जुदा ना कभी जान ले। तू जिंदगी है ला 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 ला। तुझको भर ले आके सनम मागोश में, चले आऊंगी मैं होश में, मैं होश में। हीर तू है मेरी, मैं तेरा राजना, तू मेरी है सजनी, मैं तेरा साजना। मुझे देना मोहन का राज पालना, मैं जो भटक जाऊं बढ़ के संभालना। हेलो, मैं विजया बोल रही हूँ। ओह विजया बेटी तुम हो, मैं सूर्यनाथ बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ पर फोन क्यों किया? पहले हम दुश्मन थे, अब तुम्हारे आदमी के साथ मिलकर दोस्त बन गए हैं। जैसे ही वो आए एक जरूरी काम है बोलकर मेरे पास भेज देना। इस्तेमाल कहाँ पर करते हो विजय? सूर्यनाथ से तुम्हारा क्या संबंध है? अन्याय को न्याय से मिटाने का संबंध है। उन्हीं के पैसों से तुम ये खिलौने लाए हो ना? हाँ विजय,
ऐसा ही होकर मेरी नजरों से गिरकर जिम्मेदारी को न निभाने की वजह से मेरे लिए ये पहला एडवांस है। एक रुपए के फोन कॉल से हमारा सारा डिपार्टमेंट उलट पुलट हो जाता है। आफ्टर ऑल मैं एक साधारण एसआई हूँ, कैसे सामना करता। इसीलिए मैंने उनसे हाथ मिला लिया। यानी पैसों के लिए अपने अधिकार को बेच दिया। तुम ये काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। तुम एक सच्चे पुलिस वाले नहीं हो, बल्कि पुलिस की वर्दी में एक चोर हो। तुमने मेरे सारे सपने चोर चोर कर दिए। तुम्हारे इस पाप के पैसों के खिलौने से अगर मेरा बच्चा खेलेगा तो वो भी तुम्हारी तरह बनेगा। ये खिलौने नहीं है, इन खिलौनों में से पाप की कमाई की बदबू आ रही है। इन खिलौनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। इनसे मैं अपने बच्चे को कभी नहीं खेलने दूंगी, कभी नहीं खेलने दूंगी। विजया, ले जाओ इन खिलौनों को, मेरे घर से इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। विजया, बाहर निकालो। विजया मेरी बात सुनो। विजया जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं, मेरी बात मानो। ब्रदर आ गए, आओ। वेरी गुड, बैठो बैठो। आओ वीरेंद्र, चंदर मेरा छोटा बेटा है तो तुम मेरे बड़े बेटे जैसे हो, बैठो। थैंक यू। बोलो, मेरे अधिकारों को तुम कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो? बोलना और काम कराना सब दुर्योधन जी का काम है। लो आ गए। आप जैसे लोगों से बेकार में क्यों झगड़ा मोल लेना, इसीलिए आपसे हाथ मिलाने के लिए चला आया। गुड गुड, हाथ तो काफी गरम है। आप जैसे पावरफुल आदमियों से हाथ मिलाया ना, इसलिए मेरा खून कुछ गरम हो गया। कहिए मुझे क्या करना है? छोटा सा काम है, ट्रिपल एक्स फार्मूला लाकर हमारे गांव में पहुंचाना है। वो गांव के लोगों के पीने के पानी में मिलाएंगे तो भयंकर बीमारी फैलेगी, और उस बीमारी की दवा हमारे पास दुर्योधन की कंपनी में ही तैयार होगी। उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए गांव के पीने के पानी में मिलावट करनी होगी। चेक पोस्ट पर जो अधिकारी उनकी आंखों में धूल झोंक कर उस ट्रिपल एक्स फॉर्मूला को तुम्हें लाकर पहुंचाना होगा। समझ गया सर, कुछ लाखों के इस्तेमाल से हमें करोड़ों की कमाई करनी है ना। गुड गुड, प्रोसीड। अब आए ब्रदर मेरे रूप पर, ये 10,000 रुपए रख लो। नहीं ब्रदर, काम होने के बाद में ले लूंगा। कोई बात नहीं, रख लो बेटे, बहू के लिए गहने बनवा दे। रख लो ब्रदर, रख लो। ओके, चलता हूँ। दुर्योधन, ट्रिपल एक्स फॉर्मूला। वैन को चेक किए बिना क्यों जाने दिया? आप सीआई के अधिकार की हैसियत से पूछ रही हैं या मेरी बीवी की हैसियत से पूछ रही हैं? पत्नी की हैसियत से छोड़ रही हूँ, लेकिन सीनियर ऑफिसर के सामने अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी, इसकी चेतावनी भी दे रही हूँ। आप मुझ पर जो एक्शन लेना चाहती हैं ले लीजिए। लेकिन मेरी बीवी और उसके पेट मुझे मासूम है, उसका जरा ख्याल रखना प्लीज। मैं भी यही बोलना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी पत्नी और हमारे होने वाले बच्चे पर किसी तरह की कोई आंच आए। देखिए, आपने शेर को खाकी कपड़े तो पहना दिए, लेकिन जज्बा आज भी बरकरार है। एक ही मुक्के में दुश्मन का पेट फाड़ सकता हूँ। ट्रिपल एक्स फॉर्मूला वीरेंद्र की मदद से गोदाम में लेकर आ गए हैं, आज रात ही हम उसे शहर से बाहर ले जाएंगे। स्टार्स, रेड यानी ज्वाला, स्टार्स माने चमकाहट। Yeah!
एक बात समझ लो, आज से हर पल हर एक पल उस दुर्योधन के सामने मौत बनकर मंडराएगा, ये रेड स्टार्स उससे जाके बोल देना। रेड स्टार्स हो या ब्लैक डॉग्स, मैं नहीं डरता। अगर वो छुरी चाकू निकालेगा तो मैं बॉम्ब्स निकालूंगा, वो आग निकालेगा तो मैं ज्वालामुखी निकालूंगा। I'm sorry सर, आपका ट्रिपल एक्स फॉर्मूला बड़ी होशियारी से मैंने चेक पोस्ट से पास कराया था मगर मिस हो गया। वो रेड स्टार्स कौन ही जानने के लिए पुलिस के सारे रिकॉर्ड्स भी चेक किए लेकिन कुछ पता नहीं चला। आपकी मदद करने का सोचा और आपसे पैसे भी लिए मगर मैं कुछ नहीं कर पाया, इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए आप अपने पैसे ले लीजिए। ब्रदर, ब्रदर, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुमने तुम्हारी ड्यूटी की, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, तुम अपने पास ही रख लो, सिस्टर इन लॉ के लिए जेवर वगैरह खरीद लो। गुड गुड, प्रोसीड। सर, आपने मेरा इतना सम्मान किया, मुझ पर भरोसा भी किया, वो रेड स्टार कौन है उसको रंगे हाथों पकड़ कर। नो सर, बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। अरे क्यों इतना छटपटा रही हो, मुझे कितनी बार तुमने पीछे से नहीं पकड़ा है क्या? ये क्या पागलपन है? कोई खूबसूरत लड़की बाहों में हो तो होश तो अपने आप ही खो जाता है, इन मुलायम से गालों को चूमने तो। शट अप, आखिर तुम हो कौन? डम 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 डम। वीरू, तुम हो? ये सब क्या है? हाँ मैं ही हूँ, रेड स्टार्स के भेष में SI वीरेंद्र कुमार। SI की हैसियत से मैं उस दुर्योधन का कुछ नहीं कर सका इसलिए उससे हाथ मिला लिया। दिन में SI बनकर उससे दोस्ती का नाटक करके उसके राज मालूम करता हूँ और रात में रेड स्टार्स के भेष में उसका लूटा हुआ माल पार कर लेता हूँ। देखो विजया, ये सब दुर्योधन का काले बाजारी का छुपाया हुआ माल है। वहाँ देखो, बगैर परमिट के दूसरे गांव में भेजी जाने वाली चावल की बोरियां, मिलावटी दूध के डब्बे, नकली लेबल लगाकर बेचने वाली शराब की बोतलें, इन्हीं आधारों पर दुर्योधन को लोगों के बीच में ले जाकर उसे दोषी बनाऊंगा, तभी इस खाकी वर्दी की इज्जत होगी। अब बताओ विजया, SI वीरेंद्र को अरेस्ट करोगी या उस चोर वीरेंद्र को अरेस्ट करोगी? मैं अपने पति की ईमानदारी को सैल्यूट करती हूँ। विजया बेटी, हमारे इतनी खराब इस दुनिया में वीरू बेटे ने जो किया एकदम सही किया। कौन है ये रेड स्टार्स जिसने मुंबई को भेजे जाने वाले गुड्स का गोलमाल किया, यूपी को भेजे जाने वाली चावल की बोरियां लूट ली, उड़ीसा को भेजे जाने वाले ऑयल टैंकर को जला दिया? कोई इस सांप के फन से खेल रहा है? कौन है वो रेड स्टार? रेड स्टार, हमने तेरे जैसा पागल और अजीब आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। हमारा सारा माल लूट कर हमें बर्बाद करके हमारे ही सामने खड़ा है। अब देखिए, देखते क्या हो, निकालो रिवॉल्वर और चलाओ गोली। नहीं नहीं, रिवॉल्वर मत निकालो, मेरा रूटी अलग है। तो तू है इस रेड स्टार के भेष में, मुझे देखकर डर गए ना? इस ड्रेस में मैं शहर के बीचों बीच जो है धन लक्ष्मी बैंक उसको लूटूंगा, पैसे हमारे होंगे और चोरी का नाम जाएगा उस रेड स्टार के नाम। इससे पुलिस उसे पकड़कर जेल में डालेगी।
अब तो आप समझ गए होंगे कि मेरा कैसा आइडिया है। गुड गुड प्रसिद्ध, मुझे आशीर्वाद दीजिए डैडी। आशीर्वाद तो तुझे जरूर दूंगा बेटे, लेकिन तेरा रूट ही कुछ अलग लग रहा है। मेरा रूट ही अलग है। एक न एक दिन कुर्सी पर जरूर बैठूंगा, फिर इन लोगों को खाने में चहर मिला कर दूंगा। कौन हो तू? रेड स्टार। रेड स्टार हो? हम खुद तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन अब तो तुम्हारे दर्शन से हमारा किस्मत खुल गया। मेरे दर्शन? हाँ। क्यों? ये घर में सब दरिंदे हैं, नीच है, कुत्ते हैं, भेड़िया है। जाओ। कौन कौन कैसे हैं मुझे विस्तार से बताओ। वो जो सूर्यनाथ बाबू है ना, हमारा दिल करता है कि उसका कीमा बना के पूरे गांव को दावत खिलाओ। ठीक है, लेकिन उसका जो बेटा चंदर है वो अगर तुम्हें मिला तो? वो तो बहुत लुच्चा है, वो तो कैंसर से मरेगा, टीबी से मरेगा, हार्ट अटैक से मरेगा, उसको कीड़ा पड़ेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। क्यों रे नमक हराम, मुझे जान से मारेगा? हंस क्यों रहा है? तुम चंदर हो, हम पहले से जानते थे। तुम नाटक कर रहा था, इसलिए हम भी एक छोटा सा नाटक करके देखा। मेरा रूट ही अलग है। मेरी एक्टिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया एक्टिंग था। बोलकर हमारे लोगों को लूटने वाला तू ही है क्या? ये बोरा में कहा है, हिल कह रहा है। अरे ये तो जोर जोर से हिल रहा है। अरे भैया ये चावल की बोरी नहीं है, इसमें कौन है पता है? कई दिनों से हमारी रातों की नींद लूटने वाला और आपकी सारी दौलत को लूटने वाला रेड स्टार कमीना है ये। मार डालूंगा इसे रिवॉल्वर। जल्दबाजी में शूट मत करना, पहले इसकी खिचड़ी बना दो। ऐसी बात है? जी हाँ, पहले मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दो। हाँ। गुड गुड प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, अगर इस रेड स्टार को मारने के मौके पर मेरा बेटा चंदर होता तो वो बहुत खुश होता। तो उसका नाम लेकर इसके चार डंडे ठोक मारा। एक दो, रुक जाइए। जाति बात पर वोट पाके जब हम कुर्सी पाए थे तो हमने असेंबली में बहुत बड़ा हंगामा किया था, ये भी वो सही मौका है। रुक जाओ रुक जाओ, लगता है कुछ गड़बड़ है, नीचे से भीग गया है, मतलब अंदर कुछ हो गया है। पहले इस बोरी को खोल दो। जल्दी खोलो। मैं सन्न हो। अरे तुम हो? सॉरी 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 ब्रदर। डैडी, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरा रूट अलग है, बोलकर बोरी में बंद होकर मेरे हाथों मार खाई। ब्रदर ब्रदर, मैं हूँ बोला, फिर भी बड़ी स्पीड से मेरी चटनी बना दी। मुझे माफ कर दो भैया, उस रेड स्टार को पकड़ने के जुनून में बस गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत मारा, मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। वैसे ब्रदर, अगर तुम मार खाने से पहले ही अपने रूट के बारे में बता देते तो मैं अपना रूट ही बदल लेता ना। खैर कोई बात नहीं। सॉरी ना जी, मैं कुछ करूंगा करूंगा बोलकर कुछ नहीं कर पाया, इसलिए आप मेरा एडवांस वापस ले लीजिए। ब्रदर ब्रदर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा मत करो ब्रदर, दरअसल मेरे ये ड्रेस पहनने की गलती है, मेरा रूटी बदल गया और मेरा थूबड़ा भी बदल गया, मेरी गर्दन भी अकड़ गई, कुल मिला के मेरी पूरी की पूरी बॉडी बदल गई। गुड गुड प्रसिद्ध। भैया मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं उस रेड स्टार के बच्चे को नहीं पकड़ पाया तो नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। चलता हूँ। हाँ विजय, कई देशों से दुर्योधन के एजेंट्स यहाँ आने वाले हैं। रेड स्टार ने जो उनका नुकसान किया है उसकी भरपाई के लिए वो लोग एक मीटिंग रखने वाले हैं। उस दुर्योधन को रंगे हाथ सबूतों के साथ पकड़ने के लिए ये मुझे सबसे अच्छा मौका मिला है, इसमें मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। जरूर मदद करूंगी, एक पुलिस ऑफिसर बनकर ही नहीं बल्कि पत्नी के कर्तव्य की हैसियत से मदद करूंगी। हाँ दुर्योधन जी, वहाँ सिंगापुर में रहने वाले हमारे सारे साथियों को भी चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है उस रेड स्टार ने। हमारा सारा बिना परमिट का माल लूट लिया उसने, हमारे गोदामों से भी माल लूट लिया उसने। सिर्फ इतना ही नहीं, उस रेड स्टार से घबराए हुए सिर्फ यही लोग नहीं है, हमारे सारे लोग घबराए हुए हैं, उसके चलते हमारा बाहर का सारा काम मुश्किल में पड़ गया है। हमारी तो नींद छीनी, हमारे साथ साथ तुम्हारी भी नींद छीनी, उसका रूट ही अलग है, हमारा रूट ही अलग है। शट अप, तुम सब डरपोक हो, मेरे पानी के जहाजों में मेरे अपने पुलिस अधिकारी हैं, वही लोग रेड स्टार को खत्म करके रख देंगे,
चाहो तो नमूने के तौर पर तुम्हें दिखाता हूँ एक पुलिस वाला ऐसा ही यहाँ कैसे नाचेगा गाएगा तुम्हारा मन भी बहलाएगा देखो नाचो है रोमांटिक हीरो मैं सुपर हूँ डांसर मैं शिव टांडो करता हूँ मैं मौत से न डरता हूँ मैं स्टाइल तेरा गाओ तुम सुर में गाओ नाचो तुम ताल में नाचो फिल्म का असर है फाइट का असर है हाथ है पत्थर दिल है समंदर मौत बेअसर है शोले की है मेरी आंखें फौलादी है मेरी बाहें मेरा रास्ता सच्चा सच्चा जानता मुझे बच्चा बच्चा हर दिल पे मेरा राज मैं वफा की हूँ आवाज चाल से गाओ तुम सुर में गाओ नाचो तुम ताल में नाचो गाना साज का बजाना हाथ चलाना किसी को टपकाना खाली जाए ना निशाना मुझसे कोई ना पंगा ले ना कोई भी मुझसे भिड़े भले लोग से बेहतर रिश्ता गुंड मवाली बनता है पिस्ता मेरी बात को मजाक में न लेना ध्यान से तू नजरा गाओ तुम सुर में गाओ नाचो तुम ताल में नाचो रोमांटिक हीरो मैं सुपर हूँ डांसर मैं शिव टांडव करता हूँ मैं मौत से न डरता हूँ मैं स्टाइल मेरा गाओ तुम सुर में गाओ नाचो तुम ताल में नाचो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्या बात है डैडी बहुत कुछ दिख रहे हो हमारे किसी एजेंट को देखकर उसे कोई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है नहीं नहीं दुर्योधन जी ने मुंबई में एक कंपनी का उद्घाटन किया था उस समय वीडियो निकाली गई थी वो आज टीवी में आएगा उसके लिए फोन किया था ऑन करो
मर्डर, रेप, डकैती, धोखेबाजी और काले बाजारी का बादशाह है दुर्योधन और उसके मंत्री सूर्यनाथ और चंद्रनाथ। उसके ऐसे एजेंट हमारे देश के कोने कोने में छुपे हैं। कौन हो तुम? रेड स्टार। दुर्योधन, तेरे पापों के सारे सबूत मेरे पास में हैं। देख, सरकार से छीना हुआ चावल मेरे पास है। तेरा लोगों को बीमार बनाने वाला ट्रिपल एक्स फॉर्मूला भी मेरे पास है। अधिकारियों के गिलासों में विस्की डालकर, उनकी जेबों में नोट डालकर तू और कितने दिनों तक बच सकेगा? ये गोदाम तेरे पापों का सबूत है। मैं इसकी वीडियो निकालकर तुझे सरे बाजार नंगा करूंगा। तेरी इस करतूत को देखकर लोग आग बबूला हो जाएंगे और उनका खून खौल उठेगा और उसके बाद वही लोग तुझे नोच नोच कर मार डालेंगे। गुड बाय दुर्योधन। सर, उसके गले में आपने वो नंबर देखा? आज तक हमारे साथ दोस्ती का नाटक करने वाला इंस्पेक्टर वीरेंद्र और रेड स्टार एक ही है। वही है। Shut up! तुम लोगों ने ही मुझे उससे मिलवाया था और उसी ने ही हमारी वाट लगा दी। हस्बी। यस सर। जनता उस गोदाम को देखे उससे पहले ही उसे बॉम्ब से उड़ा दो। अगर कोई सबूत रह गया तो तुम्हें मिटा दूंगा। ओके सर। अरे ये सब उसका काम के साथ में मिलकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली तुझे तो लोगों के बीच में काटना चाहिए। विजया, ये तुम क्या बोल रही हो? सीनियर ऑफिसर से क्या ऐसे ही बात करते हैं? यू आर माय सबॉर्डिनेट। हाँ, मैं एक सबॉर्डिनेट हूँ, लेकिन तेरी नहीं हूँ। जो अपने देश के लिए जान छिड़कते उनकी सबॉर्डिनेट हूँ। हमारे देश की भोली भाली जनता की मैं सबॉर्डिनेट हूँ और तेरे लिए मौत हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही है? तेरे आदमी ने हमारे भविष्य का वीडियो निकाल कर हमारा फुटबॉल बना दिया। उसके बदले तेरे पेट में जो बच्चा है उसके साथ मैं खेलूंगा फुटबॉल। इस मां से तू चिल्लाएगी और तेरी आवाज सुनकर वो लाएगा वीडियो कैसेट। मेरा रूट ही अलग है। मिस्टर वीरेंद्र, विजय के पेट पे भारी चोट लगने से उसका अबॉर्शन हो गया है। डॉक्टर,
दुर्योधन जी, हमें ये माल लेकर फौरन ये शहर छोड़ देना होगा। अगर वो वीरेंद्र आ गया तो हम सब की वाट लगा देगा। चलो रुक जाइए, तुम्हारा इस शहर से निकलना इम्पॉसिबल है। तुम ये क्या बोल रहे हो डीएसपी? हाँ दुर्योधन जी, उस वीरेंद्र ने आपको पकड़ने के लिए सब जगह लोगों को खड़ा कर रखा है। आईजी की मदद से सारे चेक पोस्टों को उसने कवर कर रखा है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हेलो इंस्पेक्टर वीरेंद्र साहब, हाँ का यहाँ दुर्योधन और उसका आदमी सारा सामान बांध के फरार होने का कोशिश कर रहा है, उनको पकड़ने का। क्या बात है चंद्र, क्या हुआ? डैडी, इसने हमारे सारे राज उस वीरेंद्र को बता दिए, इसलिए मैंने इसको मार दिया। अरे वो कन्हैया, जो भी हम लोगों से टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। इस पर पेट्रोल छिड़क कर यही आग लगा देते हैं। रुक जाओ, ये लाश मुझे चाहिए। लाश चाहिए? आपको ये लाश क्यों चाहिए? हमें भागने के लिए इस लाश की अंतिम यात्रा निकालनी पड़ेगी। उसी अंतिम यात्रा में हम छुप कर बाहर निकल जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगी। तो शुभ काम में देर किस बात की? अंतिम यात्रा निकलते हैं। गुड गुड। हमारे मंत्री कन्हैया जी अमर रहे, हमारे मंत्री कन्हैया जी अमर रहे, हमारे मंत्री कन्हैया जी अमर रहे, हमारे मंत्री कन्हैया जी अमर रहे। बॉस, हमने काऊ पार कर लिया। गुड गुड, प्रसिद्ध कामयाब हो गया। दुर्योधन जी, वीरेंद्र आ गया है। गुड गुड, गुड काहे का गुड, वो हमें मार मार के हमारी हालत खराब कर देगा। रुक जाइए, माननीय मंत्री जी की अंतिम यात्रा गांव के बाहर अभी नहीं जा सकती है। ये बोलने वाले तुम कौन होते हो? उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाए। यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए दूसरे शहर ले जा रहे हैं। नो, उनकी आखिरी इच्छा ये नहीं थी। वो देखो, वो जो शहीदों का स्मारक है, वहीं पर ले जाकर उन्हें जलाने की आखिरी इच्छा थी, क्योंकि उसके सामने ही हमारे माननीय मंत्री जी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। इसलिए स्मारक के सामने ही उनका क्रियाक्रम किया जाए, ये मेरी भी इच्छा है। आप लोग क्या कहते हैं? चुप हो जाओ। सुनो दोस्तों, ये देखिए, इस कागज को देखिए, इस पर मंत्री जी ने मरने से पहले अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसमें लिखा है कि उनका क्रियाक्रम उनकी अपनी जनता के बीच ही होना चाहिए, ऐसा उन्होंने साफ साफ लिखा है। इसलिए उनके भूल चूक माफ करके हर एक वहाँ देखिए, उनकी चिता लगाई गई है। भाइयों, चलिए मंत्री जी की आत्मा की शांति के लिए उनकी अर्थी को उठाकर चिता पर लिटाइए, अपनी देशभक्ति को बाहर उजागर कीजिए। चलिए, रुक जाइए। भाइयों और बहनों, हम सच में मरा नहीं हूँ, मरने का हम नाटक किया हूँ। रुक जाइए। भाई लोग, हमारी बात तो सुनिए, तुम गरीब लोगों को और गरीब बनाने वाला कोई और नहीं है, स्वयं दुर्योधन है। ये गांव से और ऐसा वीरेंद्र के हाथ से बच के भागने के लिए, और हम इन लोगों का भांडा नहीं फोड़ दूं, इसलिए टेलीफोन के तार से हमारा गला घोट दिया। हम मरने का नाटक किया लेकिन मरा नहीं हूँ। और वो कमीना दुर्योधन की मंडली यहीं पे इसी ट्रक के अंदर छुपी है। ये देखिए, डैडी, उस वीरेंद्र ने तो हमारा रूटी ही बदल दिया। भाइयों, आप खुद इन दरिंदों से अपना हिसाब चुका लीजिए, क्योंकि हमारा कानून अंधा है, इसलिए जनता को आंखें खोलनी होंगी। हमारे अधिकारी लोग इनके टुकड़ों पर बिक जाते हैं, इसलिए अब आपको आवाज बुलंद करनी होगी। Thank you.
मिटाने का कर्तव्य जितना पुलिस का होता है उतना ही हर नागरिक का होता है। दुर्योधन जैसे दरिंदे को पकड़ने के लिए वीरेंद्र ने आम नागरिक बनकर पीछा किया और पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य निभाया।